यानी सरकारी स्कूलों में किसी भी प्रकार के आयोजनों पर रोक लगा रखी हो, लेकिन ग्रामीण अंचलों में शिक्षा विभाग और ठेकेदारों को मिली भगत से शासकीय भवन का निजी उपयोग किया जा रहा है। मर्यादो गांव के इस शासकीय माध्यमिक परिसर में दमोह के किसी तेंदू पत्ता ठेकेदार को बकायदा पूरा स्कूल भवन और परिसर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें ठेकेदार के लोगों ने कब्जा जमा कर रखा है। इसके अलावा इन लोगों ने स्कूल को तेंदू पत्ता का गोदाम बना रखा है। जो कमरे बच्चों की क्लास के लिए हैं, वहाँ पत्ते और ठेकेदार का सामान रखा हुआ है। स्थानीय लोगों की माने तो एक और यहाँ के शिक्षक गरीब कन्याओं की शादी तक को मना कर देते हैं, वहीं बाहरी ओर दबंग लोगों पर शिक्षा विभाग की ये मेहरबानी समझ से परे है। पूरा मामला सामने आने के बाद अब यहाँ के शिक्षक से लेकर शिक्षा विभाग के आला अधिकारी भी कुछ कहने से बच रहे हैं। वर्तमान में वहाँ के संकुल प्राचार्य से और हेडमास्टर से जानकारी ली गई है, तो उनका कहना है कि पूर्व वर्षों में कलेक्टर जिला शिक्षा कार्यालय से आर्डर होता था, उसी आधार पर दे दी है, लेकिन अभी उनसे आर्डर मांगा गया तो उनके द्वारा कोई आर्डर प्रस्तुत नहीं किया गया है। मर्यादो में जो हेडमास्टर हैं उन्होंने संकुल प्राचार्य से जो आर्डर की संबंध में प्रति प्रस्तुत की है, तो उन्होंने मौखिक आदेश निर्देश डीओ के उसके आधार पर प्रधान अध्यापक को कक्ष उपलब्ध कराने के हेतु निर्देशित किया है। रजपुरा के बारे में कोई जानकारी नहीं। जैसे कि डीओ साहब से दूरभाष पर जाना गया था, तो उनके द्वारा कोई भी किसी प्रकार का आदेश नहीं दिया गया है, तो हम इसके बारे में उपसंकुल प्राचार्य का लिखित में हमको जो पत्र प्राप्त हुआ है, तो उन्होंने मौखिक निर्देश के आधार पर ही उपलब्ध कराने की बात कही है। अब चूंकि डीओ साहब ने मौखिक निर्देश दिए थे लिखित में, ये संकुल प्राचार्य मर्यादा ही बता सकते हैं। इसमें किसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी? कार्रवाई के लिए तो यदि संस्था प्रमुख उसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेवार है, और उसके अलावा संकुल प्राचार्य ने भी यदि बिना डीओ के अनुमति के आर्डर किया है तो वो भी उसके लिए जिम्मेवार है। दमोह से राजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट।